हेलो एवरीवन वेलकम टू केवी टीचर्स गिल्ड सो बच्चों अभी हम डिस्कस करेंगे एट्थ क्लास के एल लर्निंग अचीवमेंट टेस्ट का एक क्वेश्चन पेपर ये करंट सेशन 2024 टू 25 का पेपर है केंद्रीय विद्यालय संगठन का और सबसे पहला सब्जेक्ट है इंग्लिश सेक्शन ए रीडिंग वही एक पैसेज आपको गिवन है रीड करना है फिर क्वेश्चन को आंसर करना है So Karl Benz invented the modern car in 1888 in Germany. Emil Roger worked for Benz in France. He made cars in France. By 1900 many people were building cars in France and in the US. The first company to build only cars was Panhard at Levasor in France. Panhard started in 1889. The Peugeot car company started in 1891 in France. In the US, Frank and Charles Duryea started the Duryea Motor Wagon Company in 1893. It was the first US car company. By 1902, Ransom E. Olds started the Olds Motor Vehicle Company. A year later, Henry Ford started the Ford Motor Company. It produces the Cadillac. All these early modern cars burned gasoline or diesel fuel. Ford opened factories in France and Britain in 1911. Then they opened a factory in Denmark in 1923. Later, they opened a factory in Germany in 1925. Ford was one of the first manufacturers to use an assembly line. With an assembly line, factory workers could produce cars faster and safer than other production systems. Most modern cars still burn gasoline or diesel fuel. These cars cause air pollution, they get the air dirty. Now, many people are looking for cleaner cars, and many car companies are looking for cleaner fuels. Okay, now questions. फर्स्ट इज़ विच कंपनी फर्स्ट बिल्ट ओनली कार्स सो द फर्स्ट कंपनी टू बिल्ड ओनली कार्स वॉज पैन हार्ड एट लेवस और इन फ्रांस सो इट वॉज पैन हार्ड डी ऑप्शन सही है ना वेन डिड परज कार कंपनी स्टार्ट सो द दर्ज कार कंपनी स्टार्टेड इन एटीन नाइनटी वन अगेन डी ऑप्शन द फोर्ड मोटर कंपनी ओपन सो फोर्ड ओपन फैक्ट्रीज इन फ्रांस एंड ब्रिटेन में उन्होंने नाइनटीन इलेवन में स्टार्ट की थी देन डेनमार्क में उन्होंने फैक्ट्री ओपन की ट्वेंटी नाइनटीन ट्वेंटी थ्री में फिर जर्मनी में ओपन की नाइनटीन ट्वेंटी फाइव में ऑप्शन देखते हैं डेनमार्क नाइनटीन हंड्रेड एंड एलेवन ये तो रॉन्ग है नाइनटीन ट्वेंटी थ्री होना चाहिए जर्मनी नाइनटीन ट्वेंटी फाइव जर्मनी नाइनटीन ट्वेंटी फाइव ये करेक्ट है ब्रिटेन नाइनटीन ट्वेंटी नाइन ब्रिटेन इलेवन में था फ्रांस भी नाइनटीन हंड्रेड एंड एलेवन ओके सो बी ऑप्शन इज करेक्ट नाउ हुज आइडिया वॉज दी असेंबली लाइन Assem, uh, Ford was one of the first manufacturers to use an assembly line. Assembly line, which production ka method was used Ford. Ne. So Charles Duria, Emil Rogers, Henry Ford. C option correct. Hai. Pollution in the air is dirty air, clean air, a kind of fuel system of production, dirty air. A option correct. Hai. Now section B writing and grammar. Complete the following by choosing most appropriate option. वॉट इज़ दूरेट रिप्रजेंटेशन टू शो द पर्पज़ ऑफ ए लेटर लेटर का पर्पज़ अगर आपको बताना है लेटर आपने क्यों लिखा है तो सही रिप्रजेंटेशन क्या है प्लीज़ नोट द फॉर्मल नोटिस अटेंशन सब्जेक्ट जब आप फॉर्मल लेटर लिखते हैं लेफ्ट में आप वही किसको लिख रहे हैं एड्रेस डेट उसके बाद जो पर्पज़ है उसके लिए आप सब्जेक्ट लिखते हैं जैसे लीव एप्लीकेशन ही अगर है तो लिखेंगे सब्जेक्ट देन लीव फॉर टू डेज ए सिंपल लीव एप्लीकेशन तो इसमें करेक्ट है सी ऑप्शन सब्जेक्ट फॉर्मल नोटिस ना वॉट इज करेक्ट वे टू राइट द सब्सक्रिप्शन इन अ फॉर्मल लेटर किसी फॉर्मल लेटर में सब्सक्रिप्शन लिखने का लास्ट में जो नाम से पहले आप लिखते हैं तो सही वे क्या है योर्स ट्रूली योर ट्रूली यू ट्रूली नन योर्स आप लिखते हैं योर्स ट्रूली योर सेंसेरली फेथफुल ओबीडियंटली जो भी लिखेंगे योर्स आता है उसमें तो ये ऑप्शन करेक्ट हैं वॉट इज रिटर्न एट द टॉप ऑफ द एडिटर्स लेटर ऑन द लेफ्ट साइड एडिटर को जब आप लेटर लिखते हैं किसी भी न्यूज़पेपर के तो सबसे पहले लेफ्ट साइड में आपका एड्रेस आएगा सबसे पहले होगा सेंडर्स एड्रेस नेक्स्ट नाउ व्हिच ऑफ दिस इज़ राइट फॉर्मेट फॉर राइटिंग द डेट फॉर ऑफ ऑल द फॉर्मल लेटर्स फॉर्मल लेटर्स में डेट को लिखने का सही फॉर्मेट क्या है ऐसे कभी नहीं लिखते फाइव जान अच्छा दूसरा शॉर्ट फॉर्म में नहीं लिखते हैं अगर ये जनवरी होता तो ये सही होता फिफ्थ जनवरी नाइनटीन ट्वेंटी वन नवम्बर फाइव टू थाउजेंड ट्वेंटी वन ये भी करेक्ट है पहले आप डे मंथ ईयर लिख सकते हैं या फिर मंथ पहले डे डेट बाद में ईयर बाद में ये भी लिख सकते हैं पूरा कंप्लीट आपको वर्ड्स में भी नहीं लिखना है तो या तो आप ऐसे लिखेंगे फिफ्थ जनवरी नाइन टू या फिर ऐसे नवम्बर फिफ्थ टू सी ऑप्शन सही है फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द करेक्ट टेंस लास्ट वीक कैरी ब्लैंक पास्ता फॉर डिनर सो लास्ट वीक पास्ट टेंस है कैरी कुकड पास्ता फॉर डिनर अरेंज करिए जम्बल वर्ड्स को टू फॉर्म अ मीनिंगफुल सेंटेंस फ्रॉम अरेंज करना है मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है शेफर्ड शीप लॉस्ट फाउंड द द शेफर्ड जो शीप चराने वाला होता है शीप लॉस्ट खो गई फाउंड द द सही क्या है द शीप फाउंड द शेफर्ड लॉस्ट कोई सेंस नहीं है सेंटेंस का लॉस्ट शीप फाउंड द शेफर्ड कोई हुई शीप ने शेफर्ड को ढूंढा यह भी नहीं द शेफर्ड फाउंड द लॉस्ट शीप ये करेक्ट है सी ऑप्शन द शेफर्ड एंड द लॉस्ट शीप वर फाउंड सी ऑप्शन सही है नेक्स्ट Now find the error in the below given sentence and write the correct word in the given blank to replace the error from the option given below. इस सेंटेंस में कोई एरर है आपको फाइंड करना है और फिर उसकी जगह करेक्शन क्या होनी चाहिए वो इंडिया इज वेरी फॉरचूनेट दैट इट हैव मेनी रिवर्स इंडिया बहुत फॉरचूनेट है लकी है कि उसमें इतनी रिवर्स हैं इट हैव हैव आता है प्लुरल के साथ यहाँ पर आएगा हैज करेक्ट है हैव की जगह होना चाहिए हैज बी ऑप्शन सही है नाउ सेक्शन सी लिटरेचर

लाने के लिए इन द ओपन प्लेस ओपन प्लेस में टू शो द पब्लिक टू द पैलेस कि पैलेस में तुम्हें हिल्सा लेकर आनी है और कोई भी उसके बारे में बात ना करे सी ऑप्शन सही है द फर्स्ट इंप्रेशन ऑफ मिस्टर नाथ ऑन निषाद वॉज दैट ही वॉज निषाद के ऊपर मिस्टर नाथ का पहला इंप्रेशन क्या था दैट ही वॉज वीक मॉन्स्टर क्रुक उसकी जो सिस्टर थी माया उसको वो क्रुक लगता था लेकिन निषाद को लगता था कि वो बहुत ही वीक है पुअर है और स्टाविंग है uh, भूखा मर रहा है लिटरेचर से भी वैसे क्वेश्चंस नहीं आने चाहिए बट एनी ये एक केवी का क्वेश्चन पेपर है लार्ट एग्जाम का इसमें सेवन्थ क्लास के बुक के क्वेश्चन भी पूछे गए हैं एनी वेज हिंदी ये देखने के लिए आपको कितना याद है लास्ट ईयर जो स्टोरीज आपने पढ़ी है ठीक है प्रश्नों के उत्तर देने शेखर जब बात पलटने लगा तो राधा समझ गई कि खाली जगह है उचित मुहावरे से वाक्यों की पूर्ति कीजिए तो शेखर जब बात पलटने लगा राधा समझ गई कि दाल में कुछ काला है दुबक जाना नाक कूची होना दाल में कुछ काला है मतलब कुछ गड़बड़ है व्यापारिक शब्द में प्रत्यय है एक व्यापार प्लस एक उन्मुक्त शब्द का अर्थ है हम पंची उन्मुक्त गगन के तो उन्मुक्त मतलब है आज़ाद मिठाई वाले के पास किस चीज़ की कमी नहीं थी मिठाई वाले के पास धन की कोई कमी नहीं थी विदेशियों ने नीलकंठ को क्या उपाधि दी विदेशियों ने नीलकंठ को परफेक्ट जेंटलमैन की उपाधि दी थी भोर और बरखा कविता की रचयिता है भोर और बरखा कविता लिखी है मीराबाई ने कुंवर सिंह ने अपनी गुप्त बैठकों के लिए किस प्रसिद्ध मेले के स्थान को चुना था तो कुंवर सिंह ने चुना था सोनपुर के मेले को जो बिहार में लगता है धनराज पिल्लई किस खेल के खिलाड़ी है ये हॉकी के खिलाड़ी है गांधी जी द्वारा स्थापित साबरमती आश्रम आश्रम किस राज्य में है साबरमती आश्रम है गुजरात में खरगोश के बच्चे के कान चोंच से पकड़कर उसे कौन दंडित करता था खरगोश के बच्चा बच्चा जब बात नहीं मानता था उसके उसके कान को चोंच से पकड़कर उसे नीलकंठ दंडित करता था ये मोर का नाम है सज्जन पुरुष संपत्ति का संग्रह किस लिए करते हैं अपने बुढ़ापे के लिए नहीं दूसरों की सहायता करने के लिए महाभारत का युद्ध कितने दिन चला अट्ठारह दिन कुरुक्षेत्र में मैदान का आंखों देखा हाल धृतराष्ट्र को कौन सुनाता था महाभारत से भी मतलब क्वेश्चन आएंगे तो कुरुक्षेत्र में मैदान का आंखों देखा हाल धृतराष्ट्र को संजय सुनाता था पापा खो गए पाठ किस साहित्य विधा का उदाहरण है पापा खो गए ये एक नाटक है इसमें बहुत से कैरेक्टर्स हैं और सबके अपने अपने डायलॉग्स हैं लेटर बॉक्स है कमवा है वो लड़की है निम्न में से कौन सी नदी हिमालय से बहती है यमुना गोदावरी कावेरी नर्मदा ये नीचे की तरफ है नॉर्दर्न प्लेन्स उत्तरी भाग में नहीं है नेक्स्ट आगे है मैथ्स के क्वेश्चन अ नंबर विच कैन बी एक्सप्रेस्ड एज पी बाय क्यू वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स एंड क्यू इज़ नॉट इक्वल टू जीरो कोई भी नंबर जिसे आप पी बाई क्यू की फॉर्म में कन्वर्ट कर सके और क्यू जीरो नहीं होना चाहिए उसे हम बोलते हैं एक राशनल नंबर द रेसिप्रोकल ऑफ वन इज़ रेसिप्रोकल मतलब उल्टा करना है तो वन का रेसिप्रोकल भी वन ही है फाइव तो का रेसिप्रोकल है वन बाई फाइव सेवन का है वन बाई सेवन टू बाई थ्री का है थ्री बाई टू लेकिन वन का क्या होगा वन बाई वन यानी कि अगेन वन विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ प्रॉपर्टी ऑफ पारलोग्राम कौन सी पार्लोग्राम की प्रॉपर्टी है ऑपोजिट साइड्स आर पारल ये तो है ही डायगनल्स बाई ईच अदर एट राइट एंगल ये नहीं है डायगनल्स इसके बाइसेट जरूर करते हैं लेकिन राइट right एंगल पर नहीं करते हैं. ये होता है रॉम्बस में और स्क्वायर में द डायगनल्स आर पर्पेंडिकुलर अगेन वही बात है परपेंडिकुलर नहीं होते हैं राइट right एंगल पर नहीं और सभी एंगल्स भी इक्वल नहीं होते ऑपोजिट एंगल सिर्फ इक्वल होते हैं अच्छा एक ही पूछा था इसमें तो पहला ही सही है ऑपोजिट साइड्स पैरल होती हैं हुज ऑपोजिट साइड्स एंड ऑल दी एंगल्स आर इक्वल इज एक क्वार्टिलेटर जिसकी ऑपोजिट साइड्स इक्वल हैं और चारों एंगल्स इक्वल है मतलब चारों नाइन्टी के हैं तो ये है एक रेक्टेंगल वैसे स्क्वायर में लेकिन चारों साइड्स इक्वल होती है बट ऑपोजिट भी इक्वल होती है तो ये भी हो सकता है पैरलोग्राम रॉम्बस तो नहीं है ए और सी दोनों ही करेक्ट हो सकते हैं क्योंकि अगर स्क्वायर को भी आप देखें ऑल दो स्क्वायर में चारों साइड्स इक्वल है लेकिन ऑपोजिट भी तो इक्वल है ही और एंगल सारे नाइनटी के भी है एनीवेज ये anyway, जो डेफिनेशन है ये रेक्टेंगल पर फिट होती है नेक्स्ट इफ a, a diagonal of quadrilateral bisect both the angles then it is a एक क्वारिलेटर जिसमें अगर आप डायग्नल को ड्रा करें तो वो इन दोनों एंगल्स को भी बाई कर दें जो क्वारिलेटर के एंगल्स थे तो काइट में तो ये नहीं होता पैरलोग्राम में ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं लेकिन अगर डायगनल आप ड्रा करेंगे वो बाइसेकट नहीं करेगा ये प्रॉपर्टी मिलती है रॉम्बस में और स्क्वायर में स्क्वायर में तो खैर सभी प्रॉपर्टीज़ हैं यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन होगा सी रॉम्बस रॉम्बस में जब आप डायगनल्स ड्रॉ करते हैं ऐसे ऐसे तो ये एंगल इसके ये इसके मतलब ये रोम्बस के उन एंगल्स को भी बाई करता है नेक्स्ट इज द प्रोडक्ट ऑफ अ मोनोमियल एंड अ बाइनोमियल इज़ एक मनोमियल मान लीजिए टू पी है और एक बाइनोमियल है जिसमें दो टर्म्स हैं थ्री पी प्लस सेवन तो इसका आंसर क्या होगा टू पी को मल्टीप्लाई करेंगे थ्री पी से सिक्स पी स्क्वायर और टू पी को सेवन से करेंगे फोर्टीन तो पी आंसर क्या है बाइनोमियल तो इसमें करेक्ट है बी ऑप्शन नेक्स्ट इज द सम ऑफ माइनस सेवन पी क्यू एंड टू पी क्यू इज़ माइनस सेवन पी क्यू प्लस टू पी क्यू राइट टर्म्स तो है ये माइनस के नंबर्स हैं ये प्लस के हैं तो ऐड तो नहीं होंगे जो ज़्यादा है उसमें से कम को आप माइनस करेंगे सेवन में से टू को माइनस करेंगे सेवन पी क्यू थे टू पी क्यू माइनस किए तो फाइव पी क्यू बचेगा और साइन आएगा जो बड़ा नंबर था उसका माइनस फाइव पी क्यू आंसर है नेक्स्ट इज कॉमन फैक्टर्स ऑफ सेवनटीन ए बी सी थर्टी फोर ए बी स्क्वायर फिफ्टी वन ए स्क्वायर बी इज़ फैक्टर्स करते हैं सेवनटीन ए बी सी सेवनटीन के कोई फैक्टर्स नहीं होंगे एज इट इज़ इंटू ए इंटू बी इंटू सी आ गया थर्टी फोर ए बी स्क्वायर सो सेवनटीन इंटू टू थर्टी फोर देन ए इंटू बी इंटू बी बी स्क्वायर मतलब बी को खुद से दो बार मल्टीप्लाई करना है फिफ्टी वन ए स्क्वायर बी सो सेवनटीन थ्री आर फिफ्टी वन थ्री इंटू सेवेंटीन इंटू ए इंटू ए इंटू बी अब आपको कॉमन फैक्टर्स देखने हैं तो ये हो जाएगा कॉमन फैक्टर्स एक तो सेवनटीन कॉमन है तीनों में देन ए ए बी भी कॉमन है बी बाकी और कुछ नहीं है यहाँ पर सी है बाकियों में सी नहीं है सो सेवनटीन ए बी बी ऑप्शन सही है इन टू टू दी पावर एन एन इज नोन एज टू की पावर एन जब आप लिखते हैं तो टू हमारा बेस होता है और एन होती है उसकी पावर सो so, एन को बोलते हैं पावर वन बाय टेन टू दार्ट ज़ीरो किसी भी नंबर की पावर ज़ीरो चाहे वन बाई टेन हो चाहे फाइव बाई टेन हो बाई हंड्रेड थाउजेंड करोड कुछ भी हो एनी नंबर टू दार्ट ज़ीरो इज इक्वल टू वन आंसर हमेशा होता है वन उसका अ ग्राफ दैट डिस्प्लेस डेटा दैट चेंजेस कॉन्टिन्यूसली ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इज एक डेटा uh, जो एक टाइम पीरियड में कॉन्सटेंटली चेंज हो रहा है तो उसको आप किससे डिस्प्ले करेंगे उसे हम डिस्प्ले करते हैं लाइन ग्राफ से मान लीजिए टाइम है आपका सेवन एट नाइन टेन और यहाँ पर आपने स्पीड शो की एक डिस्टेंस uh, शो की एक व्हीकल ने जितनी डिस्टेंस कवर की है फिफ्टी किलोमीटर सिक्सटी सेवेंटी एट इस तरीके से तो यहाँ से अगर ये कॉन्सटेंटली चेंज होगा तो इस तरीके से लाइन ग्राफ आप ड्रॉ करेंगे तो इसमें करेक्ट है डी ऑप्शन पाई चार्ट बार ग्राफ हिस्टोग्राम ये बिल्कुल जो फिक्स्ड uh, डेटा होता है उसको शो करते हैं द पॉइंट थ्री कॉमा फोर इज आट अ डिस्टेंस ऑफ करेक्ट ऑप्शन चूज करना है ये है पॉइंट थ्री कॉमा फोर वन टू थ्री वन टू थ्री फोर यहाँ पर वन टू थ्री ये तो ये थ्री uh, के डिस्टेंस पर है दोनों एक्सेस से नहीं ये एक्स एक्सेस से फोर यूनिट के डिस्टेंस पर है क्योंकि यहाँ पर हम ये डिस्टेंस देखेंगे और वाई से थ्री के डिस्टेंस पर है फोर फ्रॉम बोथ एक्सेस ये भी गलत है फोर फ्रॉम एक्स ठीक है एक्स से चार के डिस्टेंस पर है और तीन है वाई से इसमें करेक्ट है सी ऑप्शन अ पॉइंट विच लाइज ऑन बोथ दी एक्सेसिस कौन सा वो पॉइंट है जो दोनों एक्सेस पर है सो so, दोनों एक्सेस जहाँ पर मिलते हैं ये पॉइंट ऑरिजिन जीरो कामन ज़ीरो ये होगा दोनों एक्सेस पर ज़ीरो ज़ीरो ए ऑप्शन करेक्ट है नेक्स्ट इज द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच इज एट अ डिस्टेंस ऑफ थ्री यूनिट फ्रॉम एक्स एक्सिस एंड सिक्स यूनिट्स फ्रॉम वाई एक्सिस अब इसमें हम जनरली मिस्टेक ये करते हैं एक्स से थ्री की डिस्टेंस पर है वाई से सिक्स की डिस्टेंस पर है तो पॉइंट लिख देंगे थ्री कॉमा सिक्स जबकि उल्टा होगा ये अगर पॉइंट आपको ड्रॉ करना है जो एक्स एक्सिस से थ्री की डिस्टेंस पर हो यानी कि तीन ऊपर और वाई से सिक्स की डिस्टेंस पर हो सिक्स इधर तो ये पॉइंट यहाँ पर होगा सिक्स कॉमा थ्री ये सिक्स की डिस्टेंस है ये थ्री की डिस्टेंस है ओके सो सिक्स कॉमा थ्री डी ऑप्शन सही है नेक्स्ट इज कंपैरिजन ऑफ पार्ट्स ऑफ अ होल में बी डन बाय अ एक होल के पार्ट्स को अगर आपको कंपेयर करना है तो उसको आप बाई चार्ट से कर सकते हैं ये सर्कल होल होगा और इसके जितने भी पार्ट्स हैं उन्हें आप इस तरीके से फ्रैक्शंस में शो करेंगे फिर नेक्स्ट फिलिंग द द इक्वेलेंट ऑफ नाइन बाई फाइव हुज डिनिनेटर इज फोर्टी फाइव इज नाइन बाई फाइव के इक्विवेलेंट कोई फ्रैक्शन जिसमें डिनोमिनेटर फोर्टी फाइव हो सॉरी न्यूमरेटर फोर्टी फाइव हो तो न्यूमरेटर को आपने फोर्टी फाइव बनाया किससे मल्टीप्लाई किया होगा फाइव से नाइन फाइव आर फोर्टी फाइव डिनोमिनेटर को भी फाइव से करना है तो डिनोमिनेटर होगा ट्वेंटी फाइव इक्वेलेंट ऑफ नाइन डिनोमिनेटर इज फोर्टी फाइव इज फोर्टी फाइव ट्वेंटी फाइव नेक्स्ट इज़ द नेगेटिव ऑफ वन इज़ वन का नेगेटिव है माइनस वन नेगेटिव ऑफ अ नेगेटिव रैशनल नंबर इज़ ऑलवेज़ किसी भी राशनल नंबर के नेगेटिव का भी अगर आप नेगेटिव कर दो तो वही राशनल नंबर आ जाता है इज ऑलवेज अ इसमें आंसर आएगा हमेशा पॉजिटिव किसी भी नेगेटिव राशनल नंबर का नेगेटिव तो माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा फाइंड ट्रू और फॉल्स ए प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी मिसिंग है सो so ये फॉल्स है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ये ट्रू है नेक्स्ट नाउ नेक्स्ट सब्जेक्ट इज साइंस फर्स्ट क्वेश्चन है इंसेक्टिवोरस प्लांट अमंग द फॉलोइंग फॉलोइंगज इंसेक्टिवोरस प्लांट्स जो इंसेक्ट्स को खाते हैं इनमें से कौन सा है पिचर प्लांट बी ऑप्शन सही है वॉट आर प्रोटीन ब्रोक डाउन इनटू प्रोटीन का ब्रेक डाउन होता है इनटू अमीनो एसिड हीट ऑलवेज फ्लोज फ्राम हीट हमेशा फ्लो करती है हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की तरफ यानी कि फ्राम अ हॉटर टू कोल्डर ऑब्जेक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नेचुरल इंडिकेटर लिटमस टर्मरिक चाइना रोज तीनों ही नेचुरल इंडिकेटर्स हैं सो ऑल ऑफ दीज डी ऑप्शन सही है विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रजेंट अ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इन एवरीडे लाइफ इनमें से कौन सा एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है मेडिटेशन बिफोर न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है जब uh, जितना आपके पास एसिड है उतना ही बेस उसमें ऐड कर दे तो सॉल्ट और वाटर बन जाता है मेडिटेशन बिफोर गोइंग टू बेड कोई सेंस नहीं है ड्रिंकिंग वाटर आफ्टर कंज्यूमिंग फूड एक्सरसाइज इन मॉर्निंग विद एमटी स्टमक कंजम्पन कंजम्प्शन ऑफ मिल्क ऑफ मैगनीशिया आफ्टर इंडाइजेशन सो इंडाइजेशन में स्टमक uh, में एसिड ज़्यादा हो जाता है एच सी एल तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया एक एंटासिड है बेस है दोनों रिएक्शन करके एक सॉल्ट और वाटर बनाते हैं उसको न्यूट्रलाइज वो करता है सो so ये न्यूट्रलाइजेशन का एक एग्जाम्पल है डी ऑप्शन सही है नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इंक्लूड केमिकल चेंज इनमें से कौन सा एक केमिकल चेंज है ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स स्टार्स ट्विंकल करते हैं रिफ्रैक्शन की वजह से फिजिकल चेंज है फ्रूट्स को कट करना भी उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी में ही सिर्फ चेंज होता है शेप चेंज हो जाएगी कोई केमिकल चेंज नहीं होगा कुकिंग ऑफ़ वेजिटेबल ये केमिकल चेंज है वेजिटेबल्स को एक बार आपने कुक कर दिया बना दिया दोबारा से आपको वैसी वेजिटेबल्स नहीं मिलेगी और उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ में भी चेंज होता है बॉयलिंग ऑफ वाटर वाटर बॉयल होकर स्ट्रीम बनता है उसकी भी सिर्फ फॉर्म uh, चेंज हुई है लिक्विड से गैशेस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया दोबारा से आप उसे लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं ये भी फिजिकल चेंज है बी ऑप्शन सही है गैल्वनाइजेशन इज द प्रोसेस यूज टू प्रिवेंट रस्टिंग ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग सो गैल गैल्वनाइजेशन में हम आयरन के ऊपर जिंक की कोटिंग करते हैं जिससे कि उसमें जंग ना लगे सो so इसमें रस्टिंग प्रिवेंट होती है आयरन की ए ऑप्शन विच ऑफ़ दिज एनिमल ब्रीथ थ्रू इट्स स्किन कौन सा एनिमल है जो स्किन से ब्रीथ करता है सांस लेता है अर्थ वार्मस फ्रॉग्स इसलिए उनकी जो स्किन है वो बहुत ही मॉइस्ड uh, आपको दिखाई देगी वाटर ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर इन प्लांट्स टेक्स प्लेस थ्रू वाटर का ट्रांसपोर्ट होता है जाइलम से फूड का होता है फ्लोएम से ए ऑप्शन सही है मेचोर ओवरी फॉर्म करती है फ्रूट डी ऑप्शन सही है एक बस ट्रैवल करती है 54 किलोमीटर इन 90 मिनट्स देन द स्पीड ऑफ द बसेज ये किलोमीटर में है ये मीटर्स में है या तो स्पीड होगी किलोमीटर पर आर में या फिर होगी मीटर पर सेकेंड में तो या तो इसको सेकेंड में इसे मीटर में कन्वर्ट करेंगे या फिर इसको आर्स में कन्वर्ट करेंगे ऑप्शन अगर देखें मीटर पर सेकेंड में है तो मीटर और सेकेंड्स में ही कन्वर्ट करते हैं 54 फ़ोर किलोमीटर्स तो ये कितना हो जाएगा फिफ्टी फ़ोर इंटू वन थाउजेंड वन किलोमीटर में वन थाउजेंड मीटर्स होते हैं सो 54,000 फ़ोर थाउजेंड मीटर्स ना नाइन्टी मिनट्स वन मिनट में सिक्सटी सेकेंड्स होते हैं सो नाइन्टी इंटू सिक्सटी नाइन सिक्स आर फिफ़्टी फ़ोर एंड डबल ज़ीरो तो स्पीड हो जाएगी डिस्टेंस अपॉन टाइम यानी कि फ़िफ्टी फ़ोर थाउज़ेंड अपॉन फाइव थाउजेंड फोर हंड्रेड दो ज़ीरो कैंसिल फ़िफ्टी फोर टेन फाइव फोर्टी टेन मीटर पर सेकेंड सी ऑप्शन सही है नेक्स्ट इज विच वन रिकॉर्ड्स द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय व्हीकल व्हीकल की डिस्टेंस uh, कितनी ट्रैवल की उसे रिकॉर्ड करता है ओडोमीटर फिलामेंट ऑफ बल्ब इज मेड अप ऑफ बल्ब का फिलामेंट बना होता है टंगस्टन का ना नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग वुड यू प्रेफर टू यूज माइल रीडिंग स्मॉल लेटर्स इन अ डिक्शनरी डिक्शनरी में बहुत छोटे लेटर्स को अगर आपको रीड करना है तो कौन क्या आप इनमें से यूज़ करेंगे मिरर तो नहीं करेंगे मिरर में वैसे भी वर्ड्स को आप नहीं पढ़ पाएंगे उल्टा वो दिखाई देगा तो हम यूज़ करेंगे कॉन्वेक्स लेंस क्योंकि इसमें जो चीज़ें हैं वो मैग्नीफाइड दिखाई देती है बड़ी दिखती है ए ऑप्शन करेक्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग सर्व्स एज अ ग्रीन लंग ग्रीन लंग्स हम बोलते हैं फॉरेस्ट को आंसर द फॉलोइंग इन वन वर्ड और वन सेंटेंस ओके नेम अ केमिकल यूज फॉर डिस इन्फेक्शन ऑफ वाटर वाटर को डिसइनफेक्ट करते हैं क्लोरीन से क्लोरीन डिफाइन डिफॉरेस्टेशन डिफॉरेस्टेशन मतलब फॉरेस्ट को कट करना सो डिफॉरस्टेशन मीन्स कटिंग रिमूवल ऑफ फॉरेस्ट बाय कटिंग ट्रीज फॉरेस्ट बाय कटिंग ट्रीज नेक्स्ट नाउ गिव द बेसिक यूनिट ऑफ स्पीड स्पीड की बेसिक यूनिट है मीटर पर सेकेंड डिफाइन पॉलीनेशन पॉलीनेशन जब पोलन uh, ट्रांसफर होते हैं एंथर uh, से स्टिग्मा पर उसे बोलते हैं पोलिनेशन सो पोलिनेशन इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा नेक्स्ट आउ नेम दी ओनली आर्टरी दैट कैरी कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड आर्ट्रीज uh, जो ऑक्सीजन रिच ब्लड है उसे कैरी करती है लेकिन एक आर्ट्री है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड होता है वो है पल्मनरी आर्टरी पल्मनरी आर्ट्री नेक्स्ट सोशल साइंस आदि ग्रंथ इज आदि ग्रंथ है गुरु ग्रंथ साहिब जी का दूसरा नाम वेन वर द गाइडलाइंस अगेंस्ट सेक्शुअल हेरासमेंट ऑफ वुमेन फॉर्मलाइज वुमेन के सेक्शुअल हरासमेंट के अगेंस्ट गाइडलाइंस फॉर्म की गई थी 1997 नाइनटी सेवन विच ऑफ द फॉलोइंग आर फॉर्म्स ऑफ मीडिया मीडिया का फॉर्म कौन सा है टी वी रेडियो न्यूज़ पेपर ये सभी है डी ऑप्शन करेक्ट है विच वर्ड इज़ यूज टू रेफर टू टी वी और रेडियो प्रोग्राम दैट इज़ वाइडली ट्रांसमिटेड जब टी वी और रेडियो प्रोग्राम्स वाइडली ट्रांसमिटेड होते हैं तो उसके लिए क्या वर्ड यूज़ होता है पब्लिश ब्रॉडकास्ट ब्रॉडकास्टिंग बी ऑप्शन करेक्ट है विच वॉज द हिस्टोरिक वर्क रिटर्न बाई अ होम्स होम्स ने बुरंजिस नाम का एक हिस्टोरिक कुछ क्रॉनिकलर्स और मनोस्क्रिप्ट लिखी हैं बी ऑप्शन सही है नेक्स्ट इज विच ब्लैंक वॉज द इम्पॉर्टेंट सेंटर ऑफ भक्ति ट्रेडिशन इन महाराष्ट्र महाराष्ट्र में भक्ति ट्रेडिशन का एक इम्पॉर्टेंट सेंटर था विट्ठल टेम्पल द दे डिवोटीज ऑफ शिवा वर कॉल्ड शिव के डिवोटीज़ को बोलते थे नयानर्स अलवर्स विष्णु के डिबोटीज़ को कहा जाता था नेक्स्ट इज आर सोसाइटी हैज़ आ नेगेटिव थिंकिंग अबाउट वुमेन वुमेन्स राइट हमारी सोसाइटी में वुमेन के राइट right के अगेंस्ट नेगेटिव थिंकिंग है दैट थिंकिंग इज कॉल्ड उसे बोलते हैं वायोलेशन ऑप्शन है वायोलेशन थिंकिंग उसे बोलते हैं डिस्क्रिमिनेशन नेक्स्ट डिस्क्रिमिनेशन इज अ टर्म फॉर डिस्क्रिमिनेशन का मतलब है वैन अ पर्सन डो नॉट ट्रीट इक्वली वैन अ पर्सन ट्रीट इक्वली वैन अ पर्सन इज ऑफ हाई कास्ट जब आप किसी को इक्वली ट्रीट नहीं करते मतलब आप उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं ये ऑप्शन करेक्ट है विच इज़ अयूमन मेड एनवायरमेंट माउंटेन नेचर ने बनाई है रोड्स हमने बनाई हैं सो so रोड सी नहीं बी ऑप्शन करेक्ट है विच इज़ नॉट अ नेचुरल इको सिस्टम कौन सा एक नेचुरल इको सिस्टम नहीं है डेजर्ट नेचुरल है फॉरेस्ट भी नेचुरल है एकवेरियम नेचुरल नहीं है ये मैन मेड है सी ऑप्शन करेक्ट है ग्रेट नॉर्दर्न प्लेन इज मेड बाय द रिवर्स ग्रेट नॉर्दर्न प्लेन बना है गंगा ब्रह्मपुत्र रिवर से द डिवोटिज ऑफ विश्नो वर कॉल्ड विष्णु के डिवोटीज को बोलते थे अलवर्स नाउ नेम द लोवेस्ट लेयर ऑफ द एटमोस्फेयर एटमोसफेयर में सबसे नीचे है ट्रोपोसफेयर देन स्ट्राटोस्फेयर, उसके बाद है मेज़ोस्फेयर, फिर थर्मोस्फेयर और सबसे लास्ट में एग्जोस्फेयर सबसे पहली पूछे ट्रोपोस्फेयर कोल्डेस्ट डेजर्ट इन इंडिया इस इंडिया में कोल्ड डेजर्ट बोलते हैं लद्दाख को बी ऑप्शन वन वर्ड क्वेश्चन आंसर्स गिव वन एग्जाम्पल ऑफ मीडिया मीडिया का कोई भी एग्जाम्पल देना है टी वी रेडियो न्यूज़पेपर न्यूज पेपर नेक्स्ट द गौड लिव इन वास्ट फॉरेस्टेड रीजन कॉल्ड गौंड एक वास्ट फॉरेस्टेड रीजन में रहते थे जिसे गोंडवाना बोलते थे गौंडवाना शंकरा वाज एन एडवोकेट ऑफ शंकरा नाइनटीन ये नेक्स्ट क्वेश्चन है एडवोकेट करते थे अद्वैत को अद्वैत कि जो इंडिविजुअल सोल है और गॉड है वो एक ही है नेक्स्ट इज ब्लैंक सेंस आर डिवोटीज टू शिवा लॉर्ड शिव के ये पहले भी आ चुका है क्वेश्चन के डिवोटीज़ को बोलते थे नया नार्स नेक्स्ट इज द वेन द सन मून एंड अर्थ इज़ इन द सेम डायरेक्शन जब सन मून अर्थ एक ही डायरेक्शन में होते हैं देन इट कॉज ब्लैंक टाइड्स तो वो कॉज करता है स्प्रिंग टाइड्स को दैट्स ऑल स्टूडेंट्स ये था एट क्लास लाट एग्जाम का एक क्वेश्चन पेपर थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग